जिन्होंने गहलोत की कुर्सी बचाई कांग्रेस उन्हें नहीं देगी टिकट, सोनिया का सख्त फैसला। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी, बगावत करने वाले गहलोत समर्थकों को नहीं मिला टिकट। शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम दूसरी लिस्ट में भी नहीं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अब तक 76 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इन 76 प्रत्याशियों में 20 मंत्रियों को फिर से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत करने वाले कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल और डॉक्टर महेश जोशी का नाम शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस ने शनिवार को घोषित 33 प्रत्याशियों की सूची में 5 मंत्रियों के नाम तो थे, तो रविवार को घोषित 43 प्रत्याशियों में 15 मंत्रियों के नाम शामिल हैं, लेकिन शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम अभी तक गायब है। पहली लिस्ट की तरह दूसरी लिस्ट में भी बहुत बदलाव नहीं किए गए हैं। या तो विधायकों को टिकट दिया गया है या फिर 2018 के चुनाव में हारे लोगों पर दाव लगाया गया है। सूची में सिर्फ 2 नाम नए हैं, सोजत से पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य और नोखा से रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी नए चेहरे हैं। 2018 में कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 5 विधायकों को भी कांग्रेस ने इस बार टिकट दे दिया है। सिरोही से संयम लोढ़ा, दूदू से बाबूलाल नागर, बस्सी से लक्ष्मण मीणा, महुआ से ओम प्रकाश हुड़ला, मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह जोजावार को टिकट दिया गया है। इसके अलावा जिन 15 मंत्रियों का नाम कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में है उसमें खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से पी डी कल्ला, झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह ओला, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, बानसूर से शकुंतला रावत, डींग कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह, वैर से भजनलाल जाटो, दौसा से मुरारी लाल मीणा, लालचोट से परसादी लाल मीणा, सांचौर से शुक्राम बिश्नोई, बांसवाड़ा से अर्जुन बामड़िया, निम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना, मांडल से रामलाल जाट और अंता से प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया गया है। यानी कांग्रेस अपनी दूसरी सूची में अधिकांश दिग्गज नेताओं को टिकट दे चुकी है, लेकिन अभी तक शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आया है, और इसके पीछे गांधी परिवार के गुस्से को सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन दोनों के नाम पर सोनिया और राहुल गांधी ने वीटो लगा दिया है। अशोक गहलोत ने इन दोनों नेताओं का पक्ष रखा था, लेकिन पहले सोनिया ने शांति धारीवाल की लिस्ट के नाम पर होने सवाल उठाए, फिर राहुल गांधी ने कह दिया कि मुझे इनके खिलाफ बहुत शिकायतें मिली थी। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि शांति धारीवाल और महेश जोशी का टिकट कट चुका है और उनकी जगह दूसरे नामों की खोज शुरू हो गई है। इस बीच ये भी खबर है कि शांति धारीवाल अब कांग्रेस छोड़ने का मन बना रहे हैं और वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अगर बीजेपी शांति धारीवाल के बेटे अमित धारीवाल को टिकट देने के लिए तैयार हो जाती है तो शांति धारीवाल कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है अगर गांधी परिवार ने उनके टिकट पर वीटो लगाया है तो फिर उसे हटाया नहीं जा सकता। दरअसल शांति धारीवाल के नेतृत्व में 25 सितंबर 2022 को हुई बगावत और उसके बाद शांति धारीवाल का बयान कि हाईकमान कौन होता है आज तक गांधी परिवार को ध्यान है, और हाईकमान कौन होता है इस बार गांधी परिवार शांति धारीवाल को इसका जवाब दे रहा है। पिछले साल 25 सितंबर को शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने कांग्रेस हाईकमान खिलाफ खुली बगावत की थी। कांग्रेस आलाकमान के आदेश पर बुलाई गई विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वाले विधायकों का नेतृत्व शांति धारीवाल, जोशी और राठौर ने ही किया था। इन्होंने साफ साफ बयान दे दिए थे कि ऐसे किसी प्रस्ताव को पास नहीं होने देंगे जिसमें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना बनती हो। ये मुद्दा देश भर में सुर्खियों में रहा। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक शांति धारीवाल और महेश जोशी की सीट पर किसी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दरोदर पर न्यूज़।